चेक किया जाए। ओके, फर्स्ट वन इज अ वेरी वेरी इजी वन यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब इसमें कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल का ग्रुप है। अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया बेटा, मेरी वीडियो ऑफ। ओके, वो भी करना है। ओके, लेट्स स्विच दैट ऑल्सो ऑफ फॉर द टाइम बीइंग। ओके, हियर। ओके, तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन हैज व्हाट? ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सो ये कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया? ऑर्थो। अब ये गया यहां पे, पाई बॉन्ड बना, द पाई बॉन्ड कम्स हियर, नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड वे पैरा। नाउ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पैरा गोज हियर, फॉर्म्स द पाई बॉन्ड, द पाई बॉन्ड ब्रेक्स, द इलेक्ट्रॉन्स कम्स हियर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज कम वेयर? ऑर्थो। मेटा पे नहीं होगा, ऑर्थो बेटा, ऑर्थो। ठीक है, तो नाउ फाइनली इट गोज बैक हियर एंड इट गोज हियर। सो इफ आई मेक अ फाइनल वन, फाइनल वन एक एक्स्ट्रा बना के दिखाना है, तो ओ एंड एच के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, नाउ दीज आर ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वी हैव टू डू द एग्जाम्पलर ऑल्सो, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप द बुक विथ यू, बिसाइड यू व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, अब ये गिव इक्वेशंस जल्दी से, चार ही इक्वेशन है, 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट? सो ओके, हियर वी गो। बेटा बताओ, पहला वाला बताओ, प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ओल इज अ CH3, CH2, CH2OH, एंड इफ वी आर रिएक्टिंग विद इट विद अल्कलाइन KMnO4, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Propanoic acid. Exactly, this is strong oxidation, and strong oxidation of an alcohol gives us an acid. Very good. Okay, everyone clear with this, guys? So, next wala hai. I hope aap logon ne reaction na shuru kar diya hoga hai. Yaad karna. Theek hai, aap dekh rahe ho ki every paper that we are doing has a lot of reactions in it. Now, नंबर एक KMnO4 है, KMnO3 नहीं है, और ऐसा नहीं है भाई, वो एक ओ नहीं है जाएगा, KMnO4 ब्रेक्स डाउन टू गिव अदर बाई प्रोडक्ट, एंड बाई प्रोडक्ट हमें करना ही नहीं है। ओके, ऑर्गेनिक का बेस्ट पार्ट यही तो है कि बाई प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हमें सारे बाई प्रोडक्ट्स करने ही नहीं होते। अब इसमें क्या हो जाएगा, Br2NCS, एग्जैक्टली, द मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा ब्रोमोफिनॉल एंड द माइनर प्रोडक्ट विल बी, माइनर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, करेक्ट, ऑर्थो पैरा नहीं, ऑर्थो ब्रोमो। ठीक है बेटा, ओके, नाउ डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। तो हमारे पास ये आ गया फिनॉल, ओके, एंड फिनॉल के साथ हमारे पास आ गया डाइल्यूट HNO3, ओके, ओके, वन इज ओ नाइट्रोफिनॉल and the other one will be shabash. Okay, so it will be ortho nitrophenol and para nitrophenol. So this is done, and then this is a name reaction, treating phenol with chloroform. Kya hai is name reaction ka naam? Okay, so CHCl3 in the presence of aqueous NaOH, what is the final product?
सैलिसाइल्डिहाइड, ओके, तो सी एच ओ बन जाएगा, जिसमें बीच वाले में जो बनता है दैट इज एन ओ एन ए विद अ सी एच सी एल टू, तो बीच वाला अगर बनाने को आए, ठीक है, तो इट विल बिकम लाइक दिस, यहाँ पे ओ एन ए होगा और यहाँ पे सी एच सी एल टू होगा, एंड देन एक्वेरियस एन ए ओ एच डालते हैं तो इट स्टार्ट्स, इट फॉर्म्स ओ एच एंड सी एच ओ. So these four questions done. Let's come down here. Okay, name reaction. जल्दी से करना भाई. चार ही है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. अच्छा, उन्होंने COONA नहीं किया है. हाँ ठीक है, वैसे go ahead with that only. Go wherever you know there is a problem with whatever is given anywhere. Follow the NCERT. Okay. Because the template of the answer script that is made for the teachers to check is from the NCERT only. So NCERT ke agar likha hoga, to you will always get full marks for it. So follow the NCERT. Baki jahan pe jaise kuch bhi ho raha ho, agar thoda sa bhi differ kar raha ho, fir bhi kisko follow karna hai? Sirf NCERT ko hi karna hai. Okay. आप सी एच थ्री आई अगर मैंने ले लिया तो इसके साथ मैं क्या ले सकता हूँ विलियमसन इथर सिंथेसिस में? एग्जैक्टली सी एच टू यहीं पे ओ एन ए लगा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी एच थ्री. यस बेटा, सी एच थ्री बन गया. आप ये अनसिमेट्रिकल इथर भी है, सो यू डो नॉट नीड टू लर्न एनी अदर रिएक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस. आपने विलियमसन्स इथर सिंथेसिस किया, उसी में अनसिमेट्रिकल इथर का भी एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, तो यहां तक आ भी क्लियर? यस. हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसे सी एच थ्री, यही आप कह रहे हो ना, ऐसे. हाँ, बस नेमिंग शुड बी करेक्ट. इट इज मिथॉक्सी इथेन, सो द नेमिंग शुड बी करेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करना है. ठीक है, ओके. नाउ राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. मतलब हमारा इथेनॉल है C2H5OH और उसको बनाना है इथीन, मतलब इसमें से H2O हटाना है. ओके, पहले 2 मिनट आपके लिए, फिर मैं करूँगा. सो आप लोगों का 2 मिनट शुरू हो गया. कॉन्क H2SO4, H3PO4, ठीक है. हाँ, इसमें विल ऐड दैट ओनली. C2H5 से C2H4 बन गया. हमने किया तो है कि अगर अभी आएगा वो वाला क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारा. सो नाउ द अट्रैक्शन इज हियर, सो इफ द अट्रैक्शन इज हियर वी विल बी हैविंग लाइक दिस एंड वी गेट द पॉजिटिव साइन हियर. To remove the positive sign, this goes here. So when this goes here, it becomes like this. This becomes a positive and our H2O is gone. I have to get this thing done to remove the positive. This bond shifts here, and when this bond shifts here, this will become a double. So this is in simplified form, guys. Simplified form, step 1 say step 2, step 2 say step 3,
And finally, step 4. We are getting an ethene from ethanol mechanism. ठीक है, अब इस चैप्टर में पता नहीं क्यों कन्वर्जन्स बहुत कम दे रखे हैं. तो ये हमारा पहला कन्वर्जन प्रोपेन टू ओल बनाना है. सो CH3, CH2, CH3 से वी हैव टू मेक CH3, CH, OH एंड CH3. देन बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है. बेंजाइल क्लोराइड इज अ बेंजीन विद अ CH2Cl से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल. सो दैट वुड बी अ CH2OH. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज अ CH3CH2MgCl से बनाना है प्रोपेन वनोल CH3CH2CH2OH. एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2-methyl propane 2-ol. सो 4 मिनट्स गाइस फॉर यू ऑल टू डू इट एंड देन विल गो अहेड एंड सॉल्व इट अगेन. सो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से वी हैव टू मेक अ 2-methyl propane 2-ol. सो 1, 2, 3 CH3 इसको नीचे किया जाए. लेट्स गेट दिस वन डाउन हियर. So we will have it here. The questions are here. So in the first one, it has to be a propene, so a double bond. Okay, just check. I am doing a method. If it matches with yours, if it does not match, do let me know. So HBr, if we add an HBr, it will become a Br here and a CH3 here, CH2. Okay, and then OH chahiye, so it is an aqueous KOH. Check. एंड ये तो सिंपल सा था, इसमें सिर्फ एक्वेरियस के ओ एच डाल दो, काम खत्म. अब ना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब ये दिस गाइस इज अ प्राइमरी अल्कोहल हा एंड दिस इज अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. इसके साथ सिर्फ एंड सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा? प्रोपेनल रिएक्ट करेगा, सॉरी मिथेनल रिएक्ट करेगा. तो इट वुड गिव यू अ प्राइमरी अल्कोहल विथ 1 कार्बन मोर. इफ यू रिमेंबर इसका हमारा क्या था, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. अब ये डबल बॉन्ड चला जाएगा, यहाँ पे एम जी सी एल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच टू सी एच थ्री. अब जब आप इसका हाइड्रेशन करोगे, यू एड मॉइस्चर टू इट, दिस विल गो अवे और इसके बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच. और अभी ये लास्ट वाला जो है उसमें आपने टर्शरी बनाना है. तो टर्शरी बनाने के लिए द रिएजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इज व्हाट, शाबाश. ओके, तो we need to remember this thing ki when we have methanol with Grignard's reagent we will always get a primary alcohol. If we have any other aldehyde with Grignard's reagent we are going to have a secondary alcohol, and with a ketone we are going to have with Grignard's reagent a टर्शियरी अल्कोहल. ओके, सो ये अगेन याद करने वाला चीज है. सो वी आर मूविंग अहेड. अब फिर से सेम थिंग. यस बेटा, यस, वेयर, इन विच क्वेश्चन? प्रोपीन टू प्रोपेनॉल में कैसे क्या है बताओ,
क्या क्या डाला है बताओ, टेल मी द। हाँ हाँ दैट कैन बी डन, या परफेक्टली फाइन। एच टू ओ एच प्लस, यस यस यस, इट गिव्स यू द अल्कोहल। या समवन एल्स वाज आस्किंग समथिंग, ओके। सो देयर आर मेनी रिएजेंट्स टू गेट दैट। अब ये वही क्वेश्चन है, देखो, नेम द रिएजेंट्स। अगेन सी, इफ यू डू नॉट नो द रिएक्शंस, you will not know the reagents, okay? So jaldi se ek bar 6 questions hai, 3 minutes, aap jaldi se NCERT se confirm karke answer likhe, and then we'll discuss the answer. Oh, what happened? The light suddenly went, okay, it's there. Okay, let's check. Theek hai, sabse pehle pehla question, let's ask Ayush, oxidation of primary alcohol to carboxylic acid. Exactly, KMnO4. A strong oxidizing agent to convert an alcohol to carboxylic acid. Okay, then we go to Tanisha. Tanisha, the second one. Exactly, PCC, any mild oxidizing agent to convert a primary alcohol to aldehyde. Perfect. Then Ashwati, question number 3. So bromine water. 2, 4, 6 aa jayega. Agar humne bromine water nahi dala, bromine NCS2 dala, to kya hoega? We just did a while ago. Yes, it will be ortho or para. Very good. Okay, now benzyl alcohol to benzoic acid. Let's ask Karan. Karan, benzyl alcohol to benzoic acid ke liye reagent kya hoga? Yes, we can use KMnO4. Perfect. Okay, then Karan ke baad se Kingshuk. Kingshuk, dehydration of propane to ol to propene. Nami dehydration kya hai beta Kingshuk? Parul? Yes, shabash. H2SO4 at 440 Kelvin. Okay, Nidarshana. Last wala, butane to own to butane to ol. So, ketone se alcohol banana hai. Nikita? Shreya? NaBH4 or NiH4. Exactly, any reducing agent, NaBH4 or Ni with H2, shabash. Okay, so this is yes, sir. Acha, theek. Yes, beta Parul. Copper ke saath kuch aur bhi hota hai. Sirf copper nahi hota, ek aur reagent hota hai. Haan, temperature would change. ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड भी होता है, यू कैन यूज क्रोमाइल क्लोराइड ऑल्सो। करो करण, शैल आई गो डाउन? एल्डिहाइड को भी बनाते हैं, एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। ये तो इजी है, इसके लिए वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ टाइम। ओके, ये क्वेश्चन गोज टू तनिषा। तनिषा, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। हमेशा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन आए, क्या होना चाहिए आंसर? विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस?
एग्जैक्टली यू नो, जब भी ऑर्गेनिक में ना आंख बंद करके, दैट फेलो हैज कंप्लीटेड इज आईआईटी, हिज नेम वाज मनीष कुमार फ्रॉम एनजीएफएस, ठीक है, उसको जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता था ना ऐसा बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो आंख बंद करके बोल देता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर 100 में से तो 99 पे यही आंसर होता है, व्हाई इज देयर अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाई इज इट सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाई डजंट मिथॉक्सी मिथेन डू, बिकॉज इट डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसने ना वो दिमाग में फिट कर रखा था कि यही लिख के आना है, तो ही हैड मेड हिज लाइफ वेरी वेरी सिंपल। ओके, आप खुद ही देखो, आपके पास यहाँ पे CH3 CH2 OH है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो एक्सक्यूज मी, तो इथेनॉल के साथ आपका ये हो गया, तो यहाँ पे ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एच बॉन्डिंग हो गया, यहाँ मिथॉक्सी मिथेन में देर इज नो एच बॉन्डिंग, दैट इज वाई इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, अच्छा आईयूपीएससी है भाई, नहीं हाँ आईयूपीएससी है, जल्दी से खत्म करें आईयूपीएससी, 6 क्वेश्चन है, 3 मिनट, इथर्स के आईयूपीएससी।